कैन यू गेस द प्राइस ऑफ दिस बैग? भाई ये मुझे मिला है 200 रुपए में. अच्छा उन्होंने बोला 150. आई वाज लाइक 150. हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर. मैं होप करती हूँ कि आप सब लोग बहुत तंदुरुस्त होंगे. तो सबसे पहले तो यार आई एम जस्ट लविंग माई टूडेज मेकअप. भाई सुंदर लग रहा है बस यार, बहुत ग्लोई ग्लोई सा अच्छा लग रहा है बस. हाँ तो यार देखो, आज की मेरी वीडियो होने वाली है रैंडम हॉल. मतलब कुछ समय के दौरान मैंने जो जो चीज़ें ली हैं अलग अलग जगह से, कोई स्पेसिफिक हॉल नहीं है. और ऐसा नहीं है कि इन सबको आप, ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन अवेलेबल होंगी, कुछ कुछ ऑफलाइन हॉल भी है. मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि यार मेरा बहुत मन है आप लोगों को दिखाने का कि मैं क्या क्या लेके आई. तो चलो जल्दी जल्दी से देखते हैं हमारा आज का रैंडमेस्ट हॉल. रैंडमेस्ट कोई वर्ड होता भी है? नहीं होता है शायद. हाँ जो भी है, चलो हॉल देख रहे हैं हम अपना. सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ मीनीसो से, क्योंकि मीनीसो से मैंने फिलहाल सिर्फ दो ही चीज़ें, नहीं तीन चीज़ें ली है. एक सेकंड रुको, एक सेकंड बस. हाँ तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीनीसो से, क्योंकि मीनीसो से मैंने तीन ही चीज़ें ली हैं. तो पहले मैंने दो चीज़ें ली हैं स्किन केयर में. एक तो है ये ब्लैक हेड रिमूवल वाली नोज स्ट्रिप्स. इसको मैंने अभी तक खैर यूज़ नहीं किया, इसमें ऐसा दावा किया गया है कि ये ब्लैक हेड वाइट हेड और ऑयल एंड डर्ट हटाता है. इसमें आपको 10 पीसेस मिलते हैं. इसमें एक और कलर वेरियंट था बट आजकल मुझे पिंक अच्छा लग रहा था, मैं पिंक ले आई. और ये 170 रुपीज़ के 10 पीस मिलते हैं हमको. उसके बाद मैंने लिया था ये अंडर आई मास्क, वो जो ऐसे करके लगाते हैं ना, मैंने आज तक नहीं ट्राई किया. इसमें आपको 3 पेयर मिलते हैं. मुझे थोड़ा सा महंगा लगा सही बताओ तो, 150 रुपये के 3 पीस मिल रहे हैं. बट ठीक है, मेरे को ट्राई करना था. इसमें मैंने पिंक वाला लिया है, इसमें भी और वेरियंट्स आते हैं. एंड देन आई गॉट दिस क्यूटू सा हेयर क्लिप. इसमें भी बहुत सारे कलर्स थे बट मुझे पर्सनली ना, अरे यार शो जा, ये वाला कलर है इसका पीची सा, मुझे पर्सनली ये वाला कलर बहुत पसंद आया. ये देखो कितना ज़्यादा क्यूट लगता है, मुझे बहुत प्यार लगा था ये क्लिप. ये मैंने 100 रुपये का लिया था. अरे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि यार ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बस पता नहीं क्यों बस पसंद है. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी. ओ माई गॉड, सारे चप्पले ना बड़ी पिंटरेस्टी होने वाली. 4 फुटवेयर है मेरे को आप लोगों को दिखाने के लिए, और ये चारों बहुत पिंटरेस्टी है. और ये चारों एक ही जगह से, जो कि है अब हमारा शुरू होने जा रहा है वेस्ट साइड का हॉल. वेस्ट साइड में ना लूना ब्लू करके ब्रांड मिलता है, और उसके फुटवेयर बहुत प्रीटी है. मैंने 2 ऑनलाइन लिए थे. वैसे तो ये सब ऑनलाइन मिलेंगे, मुझे लिंक्स मिलेंगे तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. तो पहले मैं आप लोगों को ऑनलाइन वाले दिखाती हूँ जो मैंने ऑनलाइन बाय किए थे. तो सबसे पहले है ये, उसमें ना आइवरी लिखा था, मुझे लगा वाइट होंगे. वाइट नहीं है ना, ऑफ वाइट क्रीम कलर की फुटवेयर है, बट ये बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं. ये ना म्यूल्स है, और इसमें आपको ऐसे छोटी सी हील मिलती है, और साइड में ना आपको ऐसे ये बक्कल वाली डिटेलिंग मिलती है. मुझे बहुत ज़्यादा पिंटरेस्टी लगी थी, मतलब जैसे मैंने इसको देखा था, मैं इसको ऑनलाइन ही देखा था, और मैं इसको ऑफलाइन खरीदने गई थी क्योंकि मुझे इनकी रिटर्न पॉलिसी कुछ पता नहीं है. तो इसलिए पहले मैं जाके वहाँ पर पहन के आई. वहाँ पर ये वाला शेड नहीं था, दूसरा शेड था, तो मैंने घर आके ये वाला शेड ऑर्डर किया, और ये बहुत प्यार लगता है पहनने के बाद. शायद देख के आप लोग बोले कि ये लड़की पागल वागल है क्या, बट यार मेरा ना बहुत मन था कि ये भी मैंने ऑनलाइन लिया. मेरे को ये चप्पल इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि मेरे से रुका नहीं गया. मैंने बहुत दिमाग खपाने के बाद, और जो मेरे को पैसा वेस्ट करने का थोड़ा मन कर रहा था, मैंने सेम टू सेम में ब्लैक ले ली. मुझे पर्सनली वो वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है. ये मैंने रिटर्न नहीं करी, रिटर्न का उसमें ऑप्शन था बट मैंने ट्राई नहीं किया, क्योंकि यार दिखने में देखो सही लग रही है. ठीक है, सेम टू सेम बस ब्लैक कलर की है, ठीक है. बट अगर आप लोगों को कोई एक लेनी हो तो वो वाली लेना. वो वाली बहुत ज़्यादा ना क्या कहते हैं, क्लासी लगती है, बहुत एलिगेंट लगती है. ये वाला फुटवेयर, ये भी बहुत प्रिटी है. इसमें भी कुछ एक दो कलर ऑप्शंस अवेलेबल थे, ये मुझे बहुत अच्छी सी लगी. थोड़ी सी ऐसे ना करके यूनिक सी हो गई है, और ये ना आपका हर एक आउटफिट के साथ जाएगी. मतलब कुछ भी कलर का आउटफिट पहनो उसके साथ जाने वाली है, बहुत प्रिटी है ये भी. लास्ट में मैंने ली थी ये वाली फुटवेयर. ये जो अभी आपको मैंने दूसरी इससे पहले वाली दिखाई है और ये वाली दिखाई है ना, ये मैंने जाके ली थी. ये वाली भी बहुत प्यारी है. ये पहले वाले से थोड़ा सा अलग कलर है, बस 19-20 का फर्क है. बट ये बेली बहुत सुंदर लगती है. इसमें भी थोड़ी सी हील है. मतलब यार ये सारी चप्पलें ना एकदम सच्ची वाली पिंटरेस्टी वाली फुटवेयर है, और ये सब काफ़ी कंफर्टेबल भी है. प्लस इसमें बहुत, मतलब इसमें ना यार आप बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगोगे. बस अगर आप कोई अच्छी जगह जा रहे हो ना, मतलब एकदम क्लासी वाली फीलिंग चाहिए ना, इसमें से आपको पक्का ही मिलेगी. इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है. मैं आपसे मिलती हूँ बस यूं करके कपड़े बदल के, ठीक है, यहीं पे बैठे रहना, बस कपड़े बदल के आए, क्योंकि वो थोड़ा सा ना एथनिक बैग्स है, तो मैंने सोचा थोड़ा एथनिक कपड़े ही पहन लेते हैं उसके लिए. 1 मिनट रुको बस, मैंने बदल लिए हैं. तो मैं गई थी पिछले संडे शायद,
लाल किला घूमने, क्योंकि मेरे को वैसे लाल किला घूमने से इतना वो नहीं था, मुझे मेन जाना था लाल किले के अंदर जो मार्केट होती है ना, मतलब मेरे को, मैंने कभी नहीं देखी वो मार्केट और मेरे को बड़ा मन था वो मार्केट देखने का। तो बस मैं मार्केट गई और मुझे लगा वहाँ पे बहुत महंगा सामान होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो लाल किला के अंदर है, ऐसे कोई स्पेसिफिक मार्केट नहीं है ना, और ऐसे वहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं तो शायद महंगा हो। बट नहीं भाई, ये तो हर मार्केट का बाप थी, बाप एज इन कि यहाँ पे इतना सस्ता सामान मिलता है जो आपको लिटरली मार्केट में भी ना शायद ढूंढोगे बहुत ज़्यादा तो जाके इतना सस्ता सामान आपको मिलेगा। बट मैंने आज तक, हालांकि मुझे पता है दिल्ली की मार्केटें, ठीक है, मतलब मैं वहीं पर रहती हूँ, मतलब दिल्ली में नहीं रहती, मैं फरीदाबाद में रहती हूँ, बट दिल्ली मेरे घर के बहुत पास है, वहाँ पे भी आपको इतना सस्ता सामान ना मैंने नहीं देखा भाई, मैंने नहीं देखा। तो चलो मैं जल्दी जल्दी से आपको दिखाती हूँ बैग से। सबसे पहले मैंने लिया था ये, यार मतलब कौन कह सकता है ये बैग मुझे लाल किला मार्केट से मिला है, ठीक है, ये इतना प्रिटी बैग है, इतना प्रिटी और कलर इतना रॉयल है इसका। और ना यहाँ पे देख के मुझे ऐसा लग रहा, देखो जो कि दिखने नहीं वाला, बट मुझे ऐसे देख के लग रहा है कि ये हैंडमेड ही है। अंदर आपको मिलती है ऐसे चेन और ऐसे स्टोर करने के लिए अपना सामान, और इसके साथ आपको मिलते ही इतनी ब्यूटीफुल सी स्लिंग। कैन यू गेस द प्राइस ऑफ दिस बैग भाई, ये मुझे मिला है 200 रुपये में, मतलब 200 रुपये में ऐसा बैग पूरा काम किया, वो वर्क किया, आई जस्ट लव इट। मतलब ऐसा था मैं इसको छोड़ ही नहीं सकती थी, अगर वो मुझे 500 भी बोलता ना, मैं सच बता रही हूँ, जो 500 भी बोलता मैं तब भी शायद इसको ले लेती, बट 200 ज़्यादा सस्ता बैग शादी वगैरह में जाने के लिए, यार मेरे को महंगे बैग लेने का इतना मन नहीं करता। तो इसमें ना काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस थे, बट मैंने गोल्डन लिया। ये मुझे मिला है सिर्फ 150 रुपये में मुझे मिला है बैग, और इसके साथ भी आपको ऐसी बीडेड स्लिंग मिलती है, अंदर आपको चेन मिलती है, ये थोड़ा सा ऐसा सा है कि चेन थोड़ी उधड़ी टाइप की, बट किसी को दिखता नहीं इतना, अगर वो देखना चाहे तो ही दिखे, बट ये बहुत प्यारा है, 150 रुपये ओनली। अगर आप कभी जाएंगे ना, आप जरूर जाए मार्केट, तो आपको ऐसे देसी सामान ही मिलेगा, वेस्टर्न सामान ऐसा कुछ था नहीं, होम डेकोर था, ऐसे बहुत चीज़ें, ऐसी चीज़ें शॉल्स वगैरह ज्वेलरी वगैरह थी ऑक्सीडाइज्ड। फिर मैंने लिया था ये वाला बैग, ये मैंने लिया था 300 का, वो बड़े वाले बैग होते हैं जनपद में मिलते, वो भी 300 के थे, ये भी 300 तो था, मैं बार्गेन हो ही रहा था, बट मुझे कुछ दुख समझ नहीं आया कि इतना बड़ा बैग भी 300, छोटा बैग भी 300, बट मैंने ले लिया, मुझे बहुत प्यार लग रहा था, हर इंडियन आउटफिट के साथ जाएगा। कभी बड़ा बैग लेने का मन ना हो तो आप इसे छोटा शोल्डर बैग भी कैरी कर सकते हैं। ये मैंने 300 का लिया था, इसमें बहुत प्यारा सा पैच वर्क चल रहा है, इसमें भी आपको जिप मिल रही है, ऑल ओवर में आपको अलग अलग पैचेस मिलेंगे, और ये रही इसकी स्लिंग जो कि एडजस्टेबल स्लिंग है, विच आई लाइक द मोस्ट। अगर आप लोगों को इसको क्रॉस बॉडी बनाना है, आप इसको क्रॉस बॉडी भी बना सकते हैं। तो यार मुझे ये वाला बैग भी काफ़ी पसंद आया, ये वाले झुमके, इसमें ना सिल्वर कलर भी था और मल्टी कलर भी था, बट मुझे गोल्डन कलर बहुत मन किया लेने का, कि कभी किसी पार्टी फंक्शन वगैरह में जाओ तो ये बहुत प्यार लगेंगे। सिल्वर तो इजीली मिल जाते हैं, बट मुझे बहुत प्रिटी लगे, ये मैंने लिए थे 100 रुपये के। मैं कहती आप लोग भी लाल किला घूमने जाओ, बस हाँ वीकेंड पे मत जाना, बहुत भीड़ थी, मैं संडे को गई थी, और क्या कहते हैं, पानी की बोतल साथ में रखना, बहुत ज़्यादा प्यास लगने वाली है क्योंकि अब गर्मी बढ़ गई है। जल्दी से जाओ शॉपिंग करो, वहाँ पे शॉपिंग वाले एरिया में छत है तो वहाँ पे आपको गर्मी नहीं लगेगी इतनी, और यार वहाँ पे आपको इतना सारा सुंदर सुंदर सामान मिलेगा ना भाई, ये मत सोचना कि मैं प्राइस पूछूं कि ना पूछूं, क्योंकि मैंने ऐसे किया था, मैंने ना पहले प्राइस नहीं पूछा था, ये सोच के कि ना महंगा होएगा, बट फिर मैंने फाइनली पैसा पूछा और उन्होंने बोला 150। आई वॉज लाइक 150, मतलब मेरे को यकीन नहीं हुआ। फिर ऐसे धर धर करके मैंने ये चार चीज़ें ले ली, भाई बताओ 600 रुपये में, 650 में मैंने ये सारी चीज़ें ले ली। जल्दी जाओ, घूम के आओ, मज़ा आएगा, अपने दोस्तों के साथ जाओ, फैमिली के साथ जाओ। आज की वीडियो बस यही थी, और मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई विल मिस यू ऑल, ओके बाय।